नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धन बढ़ाने के बहुत सारे टोटके हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, धन में बरकत कैसे हो ये भी बताते रहते हैं, लेकिन साथ के साथ अब की बात जो वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ पांच चीजें अगर आप अपने पर्स में ढंग से रख लेते हैं तो बरकत भी होगी और बढ़ेगा भी धन। सबसे बड़ी बात आती है कि कुंडली में दो ऐसे भाव होते हैं जिनका अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम 11th हाउस की बात करते हैं, या 11th हाउस का स्वामी और साथ के साथ 11th भाव यानी 11वां एकादश भाव एकादशी, ये अगर बहुत अच्छे होते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होती है। और द्वितीय भाव द्वितीय दोनों ये अगर के अच्छे होते हैं तो भी आपको धन की कमी नहीं होती है। कर्म कर्मेश तो पक्का होना ही चाहिए, लग्न लग्नेश भी पक्का होना चाहिए, बट धन भाव अच्छे होते हैं तो फिर इतनी ज्यादा मारामारी करने की जरूरत नहीं होती, इतने सारे उपायों की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर फिर भी धन की कमी रह रही है तो इसका मतलब यह है कि एकादश एकादशेश और द्वितीय द्वितीयेश जो है बहुत अच्छे नहीं है। चलिए हम कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिसे अगर आप करते हैं, अपने पर्स में कुछ खास चीजें रखते हैं तो आपको बरकत भी अच्छी होगी और साथ के साथ आपको धन भी बहुत मिलेगा और धन वो आपका रुकेगा भी। सबसे पहले आती है बात की शमी का पेड़। हम कहते हैं कि शमी का पेड़, शमी का छोटा सा पौधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे घर में बहुत शुभता लाता है। लेकिन शमी के पौधे की जो जड़ होती है वो बड़ी चमत्कारी होती है, उसकी लकड़ी बहुत चमत्कारी होती है। एक छोटी सी टहनी का छोटा सा टुकड़ा काट लीजिए, शुक्रवार के दिन आपने प्रणाम करना है और इजाजत लेनी है। किसी से भी आप उनकी चीजें कैसे ले सकते हो, तो आपने इजाजत लेकर के एक रिक्वेस्ट करके आपने छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा इसमें से काट लेना है और उसे आपने गुलाबी रंग के कपड़े में लपेट करके फ्राइडे के दिन ही अपने पर्स के अंदर डाल देना है। और शुक्रवार का दिन वैसे भी आपकी लग्जरीज और लेविश का होता है, और शुक्रवार को अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके पास आपके पर्स के अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी जिससे आपके पास धन आना शुरू हो जाए, अट्रैक्ट करेगी ये जड़। ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी को अट्रैक्ट करती है जो एनर्जी आप तक धन लेकर के आएगी और उसको स्टेबल भी करेगी यानी इसमें बरकत भी देगी। तो आपने फ्राइडे के दिन इस उपाय को जरूर कर लेना है। अब अतिमत के एक और शुक्रवार के दिन ही आपने उपाय करना है। इत्र की एक छोटी सी बोतल ले लीजिए और उस बोतल को आपने अपने पर्स में डाल लेना, लेकिन इसे पर्स में डालने से पहले आपने इसे अभिमंत्रित करना है, सामने रख करके ओम द्राम द्रीम द्रोम सो शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करके आपने एक माला जाप करना है। रुद्राक्ष की माला पर जाप कर सकते हैं और आपने इसे भी अपने पास पर्स के अंदर डाल देना है। भाई पर्स में तो आप बहुत सारी चीजें डालते हैं, अब पुरुष कहेंगे कि हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसे भी तो बढ़ने चाहिए। लेकिन आप जो बैग अपना कैरी करते हैं जिसमें लैपटॉप होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उस बैग के अंदर एक पॉकेट ऐसी बना लीजिए जहां आपने ये सारा सामान, छोटा छोटी 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 चीजें हैं वहां डाल करके आपने अपने साथ डेली कैरी करनी है ताकि आप अपने धन को अट्रैक्ट कर सके, धन पा सके। क्योंकि धन आना जरूरी है, जिसके लिए आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, पूरा दिन अपना स्पेंड करते हैं, पूरे घंटे आपके सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वहां ऑफिस में लगते हैं क्योंकि आप मनी इनकम जो है, मनी का फ्लो जो है वो चाहते हैं। तो जब आप काम करे जा रहे हैं आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत होगी, वो अगर पैसा आ जाता है तो कोई ना कोई ऐसा सोर्स बन जाता है कि खर्च हो जाता है, आपके पास नहीं रहता है। तो हमेशा आपने कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है जिससे आपके पास धन जरूर आए, धन रुके और धन में बरकत भी हो। अब अतिमत की इसके अलावा आप अपने पर्स के अंदर और भी कुछ चीजें रख सकते हैं। जैसे हम हमेशा अक्सर बात करते हैं कि आप रुद्राक्ष पहना करो, रुद्राक्ष आपके पास माला पे जाप किया करो, लेकिन अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला अपने पर्स में लाल कपड़े में बांध करके रखते हैं और इसका दिन होगा बुधवार का दिन, आपने इस माला को अपने पर्स में डाल देना है। और जो जेंट्स हैं वो अपने बैग में डाल सकते हैं,
मैंने कहा ना कि जेंट्स भी इस उपायों का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन लेडीज के पास पर्स इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर जगह होती ही होती है, बट जेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कहाँ हम इस सामान को रखें। जो बैग आप कैरी करते हैं हमेशा, उस बैग में आप ये सामान रख सकते हैं। और बुधवार का दिन होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, लाल रंग का एक कोरा कपड़ा होना चाहिए, उसमें बांध करके 5 मुखी रुद्राक्ष की माला अपने पर्स में जरूर रखें, हमेशा रखें। इससे भी धन में बढ़ोतरी होती है, धन रुकता है, धन में बरकत होती है। जो धन आपके पास आता है वो सुकून देता है आपको, आपकी जिंदगी को रेस्टलेस नहीं करता है, आपकी जिंदगी को सुकून से भरा हुआ करता है। तो आप अपने पास ये एक हथियार है जो है, जिससे आपके पास धन भी आना है, जिससे आपका धन बढ़ना भी है और बरकत भी होनी है, तो आपने इसे भी अपने पर्स में जरूर रखना है। अब आती है बात की तुलसी हमारे घर में चमत्कार करती है। कहते हैं कि जब तुलसी अगर सूखती है आपके घर की, तो कहीं ना कहीं उस घर में कोई संकट आने वाला होता है, कोई परेशानी होती है, उन घर के मुखिया पर कोई परेशानी होती है, इसलिए कहते हैं तुलसी सूख जाती है। लेकिन सेमीटेनियसली तुलसी साथ में लगा भी देनी चाहिए। बट हम क्या करते हैं कि जब तुलसी सूख जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं। अगर आपके घर में सूखी हुई तुलसी है तो उनकी लकड़ियों को आप अपने घर में धो धा के साफ करके, उसे क्लीन करके बहुत अच्छे एक पैकेट में डाल करके हमेशा साथ रखिए। और अगर आपके पास सूखी हुई तुलसी की लकड़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इजाजत लेकर के एक छोटी सी तुलसी की लकड़ी तोड़ लीजिए। पूरी इजाजत से कभी भी ऐसे कोई चीज नहीं ली जाती है, हमने कहा ना कि रिक्वेस्ट करके, इजाजत मांग करके, आशीर्वाद लेते हुए आपने किसी भी चीज को तोड़ना है, आदर सहित तोड़ना है। अदरवाइज ऐसे लगता है कि किसी को आप नुकसान पहुंचाने जा रहे हो अपने फायदे के लिए, वो नहीं करना है आपने, अपना फायदा लेना है, लेकिन साथ के साथ आपको आशीर्वाद भी चाहिए। तो छोटी सी एक तुलसी की लकड़ी ले लीजिए, इसे हरे कपड़े में बांध लीजिए। ये उपाय भी आपने वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन ही करना है, और वो छोटी सी तुलसी की लकड़ी आपने अपने पर्स में डाल लेनी है। और अगर आपके पास सूखी हुई तुलसी की लकड़ी है तो बहुत ही उत्तम है, वो उपाय भी आप कर सकते हैं। उसी में से एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसे आपने हरे कपड़े में बांध लेना है और इसे अपने आपने पर्स में रख देना है। इससे भी आपकी धन की वृद्धि होती है, धन बढ़ने के साथ साथ धन में बरकत भी होती है, और आपके पास जो धन आता है वो आपको सुकून देता है, आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर के आता है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी मेहनत के बाद जब हम धन कमाते हैं और उसके बाद उसका धन का पता ही ना चले कि कहाँ चला गया वो धन, तो आपको कितनी तकलीफ होती है कि हमने तो कमाने में से तो पूरा महीना लगा दिया, लेकिन धन हमारे पास ना बचा, ना टिका, ना इसमें बरकत हुई, ऐसे लगता ढंग से हमने मुंह भी नहीं देखा है धन का, तो धन हमारे से चला भी गया। तो जब हम इस तरीके की एनर्जी क्रिएट करते हैं तो हमारे पास धन रुकता भी है, धन बढ़ता भी है। तो आपने तुलसी की लकड़ी को भी अपने पर्स में बहुत ही आदर सहित वेडनेसडे के दिन हरे कपड़े में बांध करके रखते हैं। बरगद का पेड़ बड़ा चमत्कारी होता है, और कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे अगर कोई फूल वाला पौधा उगाए तो उसे आप अपने घर में गमले में लगा दीजिए। यानी बरगद के पेड़ के नीचे फूलों वाला पौधा अगर आपको कहीं मिल जाता है तो उसे मिट्टी के समेत आदर सहित जा करके आप उसे ले आइए, और ये आपने एक रिक्वेस्ट करके उस पौधे को वहां से हटाना है कि हम एक इजाजत के साथ इस पौधे को अपने घर में लेकर के जा रहे हैं, हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि और धन की बरसात करना। वो पौधा आपने घर ला करके घर के गमले में सींच देना है और उसकी बहुत देखरेख करनी है, क्योंकि आपके घर में धन लेकर के आएगा वो पौधा, तो आपने उस पौधे को अपने घर में सींच देना है। और सबसे बड़ी बात होती है कि उसका ध्यान रखना, केयर करना बहुत जरूरी होता है। इससे भी आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है, आपका पर्स भी भरा रहता है हमेशा, बरकत होती है जिसकी हम हमेशा कामना करते हैं कि धन तो आए लेकिन साथ में बरकत लेकर के आए, तो आपके घर में बरकत भी होती है धन की।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मेरे सुबह 6 बजे राशिफल की वीडियो होती है जहाँ एक छोटा सा लकी अक्षर भी दिया जाता है जो आपके दिन को बहुत बैलेंस करता है, लकी बनाता है, बर्थडे विश भी होती है। लेकिन साथ के साथ अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे की वीडियो में अपने क्वेश्चंस जरूर डालें, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जल्द देना शुरू कर देंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।